नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। बढ़ती बेरोजगारी के बीच रोजगार का लॉलीपॉप थमाकर तमाम संगठन गरीबों को चूना लगाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला उस समय प्रकाश में आया जब कलेक्ट्रेट पहुंच पल्ली क्षेत्र की महिलाओं ने सुहाग सेवा समिति की कलई खोली। उन्होंने समिति के सदस्य कमलेश पाल की घेराबंदी कर फ्रॉड की शिकायत की। समिति से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि समिति में 15,000 रुपए लेकर सभी की ज्वाइनिंग करे और उन्हें अपने नीचे समूह की अन्य महिलाओं को जोड़ने के लिए कहा। 3 महीने बाद बांदे का आश्वासन दिया और बताया कि यह ऐसी स्कीम है जिसमें बच्चियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। जितनी आईडी लगेगी उतना ही मुनाफा होगा। ज्वाइनिंग के कई महीने बाद भी जब महिलाओं को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने विरोध में मोर्चा खोला। चारों तरफ से खुद को घिरते देख समिति के सदस्य ने महिलाओं की सदस्यता शुल्क वापस लेने की बात कही है। जब 1 रुपया नहीं मिलेंगे तो महिलाएं हमारे ऊपर झोंकेंगी ना कि तुम लगवाए तो पैसे क्यों नहीं मिले। सब बताइए, इतने मेहनत से 50 रुपया वो भी विकलांग, कैसे कैसे कमाते मेरे आदमी। क्या कर अब ये क्या कह रहे हैं अधिकारी? ये कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं पता है। हमारे आई कार्ड नहीं मिला, एक साड़ी वही मिला है बस। चाहे तो हम साड़ी वापस भी कर सकते हैं। इनका रहने पता तक मालूम कहाँ रहते हैं? बोलते हैं गोपालगंज है। कमलेश पाल सदस्य सुहाग सेवा समिति। किस बात से? सुहाग सेवा समिति सुहाग सेवा फाउंडेशन आजमगढ़ से सर। एनजीओ सर जी। कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालगंज के। पता क्या पूरा आपका है? ग्राम सभा खालिसपुर। क्या मामला है लोगों का? मामला ये है, सदस्यता शुल्क आप लोग दिए थे तो इन लोगों कहा कि हमारा सदस्यता शुल्क वापस कर दीजिए। ठीक सर, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, आप लोगों का सदस्यता शुल्क वापस हो जाएगा। कितना लिए थे? जैसे इसमें 3 लोगों से 15,000 रुपये लिए थे और बाकी 1,000 रुपये सदस्यता शुल्क था, जिसमें ड्रेस मिलता था, प्रचार प्रसार के लिए गांव में जाएं ड्रेस पहन के जाएं। एक गांव में एक महिला नियुक्त करते थे, उसमें वो गांव में अपने जाके जो बच्चियों से जन्म से लेकर जितनी भी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, समझाएंगे, इसके लिए ये प्रावधान था। बाकी पहले कुछ लोग 2-4 लोगों से लिया गया था तो अब सदस्यता शुल्क नहीं लेना था। ऐसा हो गया कि अब सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा, बाकी ऐसे लोगों को प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो जिनका लिया गया है उनको नहीं। हाँ, वेतन का मतलब जैसे इन लोगों को मानदेय का प्रावधान था कि जो एनजीओ ग्रो करेगी तो मानदेय आप लोगों को प्रचार प्रसार जो भी रहेगा। अभी अभी तो मानदेय 1,000 था सर, गांव में जो थे 1,000 मानदेय था। अभी तो सर अभी तो कि इनका 1 हफ्ते पहले इन्होंने दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई पहले से दिया है। जैसे एक आप हैं 3 महीने से हैं तो प्रोसेस में था वर्क जी। नहीं सर, एनजीओ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।